अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैंने आपके लिए जो फ्रूट सेलेक्ट किया है वो बहुत मज़े का होता है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर वाफी मकदार में पाया जाता है और जब सीज़न आता है तो बहुत ही हाई मकदार में जो अवेलेबल होता है बड़े शहरों में, और बेसिकली ये नॉर्दर्न एरिया के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से उगता है। जैसे हंजा हो गया इलाका, हंजा की ये स्पेशल नेटिव ये वाला फल है। तो मैं आज आपको एप्रिकॉट यानी खुबानी के फ़ायदे भी बताऊंगा और नुकसान भी बताऊंगा। खाने में भी बहुत मज़ेदार है, देखने में खुशनुमा होता है और टेस्ट में भी आला होता है। अगर दोस्तों आप कैंसर से बचना चाहते तो खुबानी को अपनी खुराक के अंदर शामिल करें तो ये कैंसर से महफूज रखता है। खुदा ना खास्ता आपको कैंसर हो गया फर्स्ट स्टेज में तो इसके खाने से आपका कैंसर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों इसके अंदर बहुत ही आला किस्म के जो है विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। खून को ये पतला करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल उसे प्रमोट करता है, तो दिल के लिए ये बहुत अच्छा है। और ऐसे लोग जो खून की कमी का शिकार हैं, जिनका रंग जर्द है, और अगर वो हाई मकदार में से लें 250 ग्राम के करीब डेली खाएँ तो कुछ दिनों के बाद ही उनका जो है रंग जो है लाल और सुरख हो जाएगा, वो मोटे हो जाएंगे, सेहत उनकी देखने के काबिल होगी, तो खून उनके अंदर बहुत अच्छे तरीके के साथ ये पैदा करता है। तो अनीमिया के जो मरीज़ हैं उसे लाजमी इस्तेमाल करें। दोस्तों अगर आपको कब्ज़ रहती है तो इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके इस्तेमाल से आपको पुरानी से पुरानी जो कब्ज़ है आपके दूर हो जाती है। और दोस्तों आँखों की चमक के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है या आपको नज़र कम आता है तो आप अपनी खुराक के अंदर खुबानी को शामिल करें, तो इसके अंदर विटामिन ए बहुत हाई मकदार में पाया जाता है जिसकी वजह से आपकी आँखों की चमक तेज़ होती है। दोस्तों ऐसे लोग जो वेट को कम करना चाहते हैं तो वो अगर अपनी खुराक के अंदर इस फल को शामिल कर लें तो आप इसे मुनासिब मकदार में लें तो इसे आपका वज़न कम होता है। दोस्तों अच्छे तरीके से पका हुआ जो खुबानी का फल होता है नेचुरल स्वीटनर होता है, तो ऐसे लोग जिन्हें डायबिटिक्स है जो मीठा नहीं खा सकते वो खुबानी को खाएँ। जो स्वीट खुबानी होती है तो इससे उनका जो नेचुरल स्वीटनर टेस्ट जो है पूरा हो जाएगा। दोस्तों दिमागी जो कमज़ोरी के बच्चे होते हैं स्पेशली, या ऐसे मरीज़ जो दिमागी कमज़ोरी का शिकार हैं जिनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता, कुछ भी चीज़ें उन्हें याद नहीं रहती, अगर वो अपने खुराक के अंदर जो है खुबानी के फल को शामिल करें तो उनका दिमाग स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मेमोरी बूस्ट कर जाती है, ब्रेन जो है अच्छे तरीके से काम करता है, मेंटल हेल्थ जितने भी इशू होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और दोस्तों ऐसे लोग जो दमे के शिकार है, जिन्हें सांस का प्रॉब्लम, जिनके फेफड़ों का कोई मसला है, अगर अपनी खुराक के अंदर खुबानी को शामिल करें यानी एप्रिकॉट को शामिल करें तो उनकी फेफड़े जो है मजबूत हो जाते हैं, सांस जो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आती है, उनका जो दमे जिसे कहते हैं दूर हो जाता है। दोस्तों इसके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम पाया जाता है जिसकी वजह से ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपको किसी किस्म की बुखार है, जो बारी का बुखार होता है वो है, आपको टाइफाइड है या किसी किस्म का भी कोई बुखार है, तो खुबानी के खाने से आपको आपका फीवर कम होता है। और दोस्तों अगर आपको पुरानी से पुरानी कब्ज़ है तो आप 250 ग्राम से 500 ग्राम एक दिन के अंदर मुख्तलिफ औक़ात में खा लें तो आपकी पुरानी से पुरानी जो कब्ज़ है दूर हो जाएगी। और दोस्तों आपकी अगर स्किन डल है, बेरौनक है, उसके अंदर चमक नहीं है, रिंकल्स पड़े हुए हैं, खुबानी के जो फल का जूस पिए या खुबानी का फल खाएं, पका हुआ अच्छे तरीके से फल खाएं, इसके खाने से आपकी फेस की जो चमक है वो तेज़ हो जाएगी, आपका चेहरा ग्लो करेगा, जल्द आपकी अच्छी हो जाएगी, अगर स्पॉट्स पड़े हुए वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, ब्लैक हेड्स को भी ये ख़त्म करता है, और जितने भी आपके आँखों के नीचे हल्के पड़े होते हैं ब्लैक स्याह जो हल्के होते हैं उसे भी ये दूर कर देता है। चलिए दोस्तों ये तो थे इसके कुछ बेनिफिट्स एप्रिकॉट के यानी खुबानी के, अब आते हैं कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो खुबानी अगर वो कच्ची है तो उसके सख्त नुकसान दें, तो इस वजह से आप इसे अच्छे तरीके से जो फल ये पका होता है तभी खाएं, जो स्वीट फल होता है सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा खुबानी का तो वो आप वही यूज़ करें। अगर आप कच्चे खाएँगे और थोड़ी हाई मकदार में खा लेंगे तो इससे आपको दमा आपका सही होने के बजाय, फेफड़े सही होने के बजाय ख़राब हो सकती है, सांस की नाली के अंदर आपको ज़ख्म हो सकते हैं, आपका गला पक सकता है, गला ख़राब हो सकता है, तो आपको खांसी हो सकती है। तो ये इसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं जो आप कच्ची या थोड़ी सी कच्ची पक्की अगर खुबानी खाते हैं तो उससे आपको नुकसान होता है। तो दोस्तों कच्ची खुबानी खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन भी होती है, आपकी आँखों के अंदर ज़ख्म हो सकते हैं,
आपको ब्लीडिंग हो सकती है। और दोस्तों जो कच्ची खुबानी खाने से आपको मर्दाना कमज़ोर भी हो सकती है, तो ये तहरीक पैदा करती है। कच्ची खुबानी खाने से आपकी जो मैन पावर है वो जो है ख़राब हो सकती है, तो इससे मर्द हज़रात जो है इसे कच्चा तो बिल्कुल ना खाएं। और दोस्तों इसके खाने से, कच्चा खाने से आपकी जो आँखें सूज सकती हैं, स्वेलिंग हो सकती है आँखों के अंदर। इस वजह से दोस्तों जो आप अच्छे तरीके से जो खुबानी पकी होती है वो 250 ग्राम इसकी जो मॉडरेट खुराक है आप डेली में ले सकते हैं, तो इससे ज़्यादा ना खाएं। और कोशिश कीजिएगा कच्ची पकी मत लें, अच्छे तरीके से जो फल सॉफ्ट होता है, पका हुआ होता है, स्वीट होता है, टेस्ट कर लें। अगर आपको वो स्वीट लगती है, सॉफ्ट लगती है, तो फिर आप 250 ग्राम के करीब इजीली खा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एप्रिकॉट यानी खुबानी के फ़ायदे और नुकसान पसंद आए होंगे। मेरे इस वीडियो को अपने लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।